नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है सुनील गौर और आप देख रहे हैं हिंदी ट्यूब मास्टर। यदि आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो आप उसको रिमोट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने डीवीडी प्लेयर, टीवी, एसी आदि को अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। एलईडी और स्मार्ट टीवी को भी उससे कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके लिए सिर्फ आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और उसका इस्तेमाल करना सीखना है। यदि आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। और चलिए उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं जिसके द्वारा हम अपने मोबाइल को रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए प्ले स्टोर पर और प्ले स्टोर पर उस ऐप को ढूंढते हैं। उसका नाम है यूनिवर्सल रिमोट फॉर टीवी। ये देखिए इस प्रकार की ऐप है। ये हमें इसी को डाउनलोड करना है क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से वर्क करती है। और ये देखिए ये इस प्रकार से दिखती है और इसकी रेटिंग वगैरह भी बहुत अच्छी है और काफ़ी लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है। ये हमारी डाउनलोड है, इसको हम यहीं से ओपन करते हैं। और इस प्रकार का ऑप्शन दिखता है, आप इसको टच करेंगे और ये प्लस के बटन पे हम क्लिक करते हैं। और जैसे प्लस के बटन पे क्लिक करते हैं दो ऑप्शन आते हैं। पहला है ट्रेडिशनल रिमोट आईआर और सेकंड है स्मार्ट रिमोट वाईफाई। तो पहले वाले पे क्लिक करते हैं, दूसरे वाले का मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहला वाला जो है इंफ्रारेड से काम करता है, इस पर क्लिक करेंगे। और ये देखिए अब आप जिस डिवाइस को अपने मोबाइल से कनेक्ट करना चाहते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। टीवी, सेटअप बॉक्स, केबल बॉक्स, एयर कंडीशनर, होम ऑटोमेशन। तो मैं टीवी पे सिलेक्ट करता हूँ और आपका जो ब्रांड का टीवी है उस पर सिलेक्ट कीजिए। मेरा सैमसंग का टीवी है तो मैं सैमसंग पे क्लिक करता हूँ। अब इसमें आपको सिलेक्ट करना है कि आपका रिमोट कौन सा है, क्योंकि इसमें एक से लेकर 36 तक रिमोट दिए हुए हैं। आपको सब पे क्लिक करके टेस्ट करके देखना है कि आपका कौन सा सही से वर्क कर रहा है। तो अपनी टीवी को ऑन करेंगे और उससे कनेक्ट करके देखते हैं। जैसे मैंने अपनी टीवी को ऑन कर लिया है और पावर ऑफ करके देखता हूँ तो ये काम नहीं कर रहा। तो नेक्स्ट, ये वाला रिमोट बहुत ही अच्छी तरह काम कर रहा है। इसके वॉल्यूम बटन भी अप डाउन हो रहा है और मेन्यू बटन भी काम कर रहा है। तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरे मोबाइल के लिए बहुत ही परफेक्ट रिमोट रहेगा। तो मैं इसमें सेव पे क्लिक करता हूँ। अब इससे आप अपने मोबाइल से अपने डिवाइस टीवी को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। रिमोट में जितने सारे फीचर्स होते हैं वो इसमें सारे दिए हुए हैं। मेन्यू, म्यूट, अप डाउन, वॉल्यूम कम ज़्यादा साउंड करने का। और ये देखिए यहाँ से अपने आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी नंबर डाल के अपने टीवी का चैनल ढूंढ सकते हैं। एडवांस फीचर दिए हुए हैं, देखिए बहुत सारे दुनिया भर के फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। और ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो चलिए वापस चलते हैं और सेकंड ऑप्शन के बारे में जानकारी लेते हैं। और ये स्मार्ट रिमोट वाईफाई के बारे में आपको बताता हूँ। इस पर आप यदि क्लिक करेंगे तो ये आपका स्मार्ट टीवी और जो भी स्मार्ट डिवाइस हैं जो वाईफाई से कनेक्टेड रहती हैं उससे आप अपने मोबाइल को उनसे कनेक्ट कर सकते हैं और उनका रिमोट बना सकते हैं। इसमें टीवी जाएंगे तो देखिए सैमसंग, एलजी, क्रोमकास्ट, स्मार्ट टीवी वगैरह जितनी भी आ रही हैं उनमें सब में ये सिस्टम रहता है वाईफाई का। तो देखा आपने कितना आसान था और कितना सरल था अपने मोबाइल को रिमोट कंट्रोल बनाना। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें और आपको दिखा सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।